एक के बाद एक दरिंदगी की घटनाएं सामने आती हैं, जहां पर महिलाओं, बच्चों और बेटियों के साथ किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद पूरा देश गुस्से में है। तो वहीं एक शर्मसार कर देने वाली घटना राजस्थान में सामने आई, जिसमें एक गंभीर आरोप गुरुजी पर लगा है, जिसने कई बच्चों के साथ कुकर्म किया और शिक्षा के एक पेशे को बदनाम किया। इस चेहरे को देखिए, इसका सूट देखिए, इसका कोट देखिए। सफेद शर्ट पहने इस शख्स ने झुंझुनू के एक इल्म के इबादत खाने में कुकर्म की खौफनाक किताब लिखी, जिसे सच का सबक देना था, जिसे दरिंदों से बचने का रास्ता पढ़ाना था, उस गुरु ने हैवानियत की बर्छी से बच्चों के जिस्म छील दिए। इल्म का नूर भरने वाले गुरु ने छात्रों की जिंदगी में अंधेरों की ऐसी काली पोत दी, जिसे देखकर स्कूल की दीवारें रोती। बच्चे गुरु को भगवान समझ रहे थे, लेकिन अफसोस, गुरु शैतान था, जिसने एक दर्जन से ज्यादा छात्रों के साथ कुकर्म की किताब लिख डाली। इससे पहले कि वहशी टीचर भाग जाता, कानून ने हैवान गुरु का कॉलर पकड़ दिया, अदालत ने शैतान गुरु का हाथ मरोड़ दिया और जालिम शिक्षक को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने जब पापी गुरु की हैवानियत को पोक्सो एक्ट की परख नली में डालकर जांच की, तो हैवान गुरु की हैवानियत के पापों की परख नली टूट गई और करीब 4 से 5 मामले और सामने आए। ऐसे में स्कूल की दीवारों पर खड़े सवाल पूछते हैं कि बताओ, बच्चे स्कूल में महफूज नहीं तो फिर कहाँ होंगे। झुंझुनू से जी मीडिया के लिए संदीप केडिया। वैसी खबर से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे दें, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई यहां पर तेज कर दी गई है। बता दें कि झुंझुनू में बच्चों से कुकर्म के इस मामले में लगातार जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और अब कार्रवाई इसमें लगातार जारी है। दरअसल आरोप यहां पर जो लगा है वो एक शिक्षक पर है, जिसने कई बच्चों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। जांच अधिकारी और सदर थाने के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सदर सीआई ने जांच जो है अब वो की है। 2 घंटे स्कूल कैंपस में अधिकारियों ने इस जांच को अंजाम दिया। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। आरोपी की फेसबुक आईडी ब्लॉक करने की भी इसमें सूचना है। बता दें कि झुंझुनू में बच्चों से कुकर्म मामले में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित 1 दर्जन बच्चों में से 10 राजस्थान के रहने वाले हैं, जबकि एक बच्चा दिल्ली और यूपी का भी रहने वाला है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई जारी है। 1 दर्जन बच्चों से कुकर्म के इस मामले में कार्रवाई लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ कब, ये कई सवाल जो अब कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। क्या बच्चे स्कूल में भी अब महफूज नहीं है? सवाल ये भी, क्या स्कूल असुरक्षित है? तो बच्चे आखिर अब कहाँ पढ़ेंगे, उन्हें कहाँ पढ़ाया जाए?